अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, सो टुडे वी आर गोइंग टू गेट रेडी विद मी। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो मैं नहीं दिखाऊंगा। रेडी के लिए हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, और हम आज यूज करने जा रहे हैं मिराबेल का शीट मास्क। इट्स कोरियन शीट मास्क। शीट मास्क को अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, काट काट के अपनी स्किन के मुताबिक इसे सेट कर लीजिए। तो जितने रेस्ट्रिक्शंस बचे थे उसे मैंने डाल दिया इसमें, इस कंटेनर में। यू कैन यूज़ इट एनी टाइम। और जब तक मेरा ये 20 मिनट्स होता है तब तक लेट्स ड्राई, बालों को सुखा लिया जाए और जो जल्दी रेडी होना है, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू ब्लो ड्राई, नॉट एयर ड्राई। बाहर जाते टाइम आई पर्सनली डोंट प्रेफर हेवी मेकअप, तो मैंने बस सनस्क्रीन, सीरम्स तो मैंने पहले लगा रखा था, तो लिपस्टिक से ही मेरे ब्लश और आई शेडो और लिपस्टिक लग जाते हैं। सो दैट्स इट। और अब बारी थी लेंस की। लेंस कभी भी तैयार होने के बाद नहीं लगाना चाहिए, हमेशा तैयार होने से पहले लगाना चाहिए, वरना मेरे जैसा ही हाल होगा, आंखों से आंसू। एनीवेज, सो अब हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड बुक फेयर, जो कि है प्रगति मैदान में। आप किसी भी गेट नंबर पे पहुंच के आपको एंट्री मिल जाएगी। हमने जैसे ही एंट्री लिया था, हमें ऑन द स्पॉट एक आर्टिस्ट मिल जाते हैं जो सामने लाइव पेंटिंग कर रहे होते हैं। उनकी पेंटिंग बहुत शानदार होती है। और हम लोग फिर जब आगे बढ़ते हैं, तो आज तो था हमारा बुक फेयर, तो बुक फेयर में हमने देखा बहुत तरह की डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स थे। और यहाँ पे आपको फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, रिलीजियस, आर्ट, एग्रीकल्चरल, एनी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत तरह की किताबें हैं वहाँ पर। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो बुक फेयर इज़ कम्प्लीटली फॉर यू। आपको यहाँ पे हार्ड बुक भी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, तो आपको अगर ओरिजिनल पेपर बुक चाहिए तो आपको वो भी इजीली अवेलेबल है। और मुझे सबसे ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील हुआ बच्चों के सेक्शन में जाके, पंचतंत्र और डिफरेंट डिफरेंट जो शॉर्ट स्टोरीज हम बचपन में पढ़ा करते थे। और ये था मंडला, जहाँ आप पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी आर्ट लवर्स हैं, क्राफ्ट लवर्स हैं, स्केचिंग्स वगैरह के लिए। और आपको बहुत सारी क्लासिक बुक्स, ऑटोबायोग्राफी और बहुत तरह की चीज़ें, जैसे अपने यहाँ पर देख लिया मैंने, द बच्चन्स के बारे में थी ये पूरी एक एल्बम, जिसमें फ़ोटोज़ और उनके बारे में बहुत सी जानकारी थी। एंड येस, एवरी स्टोरी मैटर्स। यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग सारे इंजॉय कर रहे थे। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज टू सीइंग ओल्ड कपल, जो साथ में बहुत मज़े कर रहे थे। बुक ट्रेड फेयर है, तो ऑब्वियसली हर जगह किताबों की दुनिया है ये। और कुछ कुछ पॉकीमॉन, निकलोडियंस और बहुत तरह के छोटे छोटे क्यूट क्यूट चीज़ें भी वहाँ पे रखी हुई थी, क्योंकि ये बुक फेयर जो है ये ऑल एज ग्रुप के लिए है, क्योंकि ये शुरू होता है ABCD से और ख़त्म ना जाने कहीं नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे लोगों के लिए है। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं, फारसी पढ़ रहे हैं, या फिर आपको गीता पढ़ना है, या फिर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप UPSC के एस्पिरेंट हो, या फिर आप एग्रीकल्चरल, बायोलॉजी, जूलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का, कोडिंग वगैरह, सारी बुक्स मैंने यहाँ पर देखी हैं। आपको ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स लेवल से लेके इग्नू की मटेरियल्स यहाँ पे सारे ट्रेड फेयर में लगे हुए थे। सऊदी बुक फेयर अभी ओपन नहीं हुआ है, ये कल ओपन होने वाला है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो, और या फिर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है, तो प्लान बनाओ और जाओ एक बार, तो ज़रूर जाओ, जाकर देखो यार, देखने की चीज़ है ये प्रगति मैदान का बुक फेयर ट्रेड। As I have mentioned, यहाँ पे टर्की की भी बुक्स है, नॉवेल्स है। और यहाँ पे UPSC एस्पिरेंट के लिए दृष्टि IAS खुद यहाँ पर आ चुका है। आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं कि आप इन्हें ज्वाइन करें, उनके सैम्पल्स देखें, उनके मैगजीन्स देखें। मैं तो बुक लेने से पहले ही कुछ कुछ पेजेस पढ़ना शुरू कर देती हूँ बुक्स के। सो आप भी वहाँ पे आराम से ही बैठ के, खड़े होके बुक पढ़ सकते हैं, एंड देन मेक योर माइंड वेदर यू वॉन्ट टू परचेज इट और नॉट। और ये बुक ट्रेड फेयर इतना बड़ा है ना कि चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो गया, मुझे भूख भी लग गई और साथ साथ प्यास भी लग गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चला जाए फूड कोर्ट की तरफ और देखा जाए कि क्या है खाने में, मेन्यू में क्या है। तो मैंने देखा कि बेरिस्ता, डोमिनोज, वॉम मोमोज, राजस्थानी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारे तरह के आइटम्स थे। बट लास्ट में आई एंडेड अप विद डोसा एंड पाव भाजी। मैं खड़े होकर देख रही हूँ कि भैया बना कैसे रहे हैं, और मुझे जल्दी जल्दी दे दो यार, तेज़ की भूख लगी है।
और मुझे मिल गया मेरा डोसा और साथ में मैंने ले लिया पाव भाजी। हालांकि मुझे डोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पाव भाजी बस ओके ओके, ये सब खा के मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो लास्ट में मैंने ले लिया चॉकलेट ब्राउनी शेक और आज का दिन मेरा इस तरह से ख़त्म हुआ। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो।